गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फिफ्थ चैप्टर द लिटिल स्नेल सेव द एलिफेंट, एक छोटे से स्नेल ने एक बड़े से हाथी की जान बचाई। अब कैसे बचाई वो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्मॉल थिंग्स कैन बी यूजफुल एंड हेल्पफुल, छोटी चीज़ें जो हैं वो भी उपयोगी और मददगार हो सकती हैं। देयरफॉर इसीलिए वी शुड नेवर नेग्लेक्ट समवन ओनली बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज, और इसीलिए वी शुड नेवर नेग्लेक्ट, हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए समवन किसी को, ओनली बिकॉज केवल इसीलिए ऑफ ए स्मॉल साइज कि उसका आकार छोटा है, मतलब छोटे आकार के किसी भी प्राणी को या किसी भी जानवर को, किसी भी मनुष्य का हमें अनादर नहीं करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन द टाइनी स्मॉल हेल्प द बिग एलिफेंट, यद्यपि जो टाइनी स्मॉल हेल्प करते हैं, मतलब छोटे और ये जो छोटा सा स्नेल जो था हेल्प द बिग एलिफेंट, उसने क्या किया, बड़े से हाथी की मदद की। लेट्स रीड एंड लर्न हाउ इट डिड सो, और चलो अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसने कैसा ऐसे किया, कैसा ऐसे मतलब उसने हाथी की मदद कैसे की इतना छोटा सा होके भी। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए बिग हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन ए फॉरेस्ट, जंगल में एक बड़े हाथियों का झुंड रहता था। दे मूव अबाउट फ्रीली ईटिंग एंड स्मैशिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, और वो लोग स्वतंत्र रूप से खाते थे और पेड़ और पौधों को तोड़ते थे। व्हेनेवर दे मूव, और जब भी कभी वो लोग चलते थे, ऑल स्मॉल क्रिएचर्स रैन हियर एंड देयर हियरिंग द हैवी ट्रेड ऑफ द एलिफेंट्स, तो जब भी वो चलते थे सारे छोटे प्राणी जो थे जंगल के वो यहाँ वहाँ दौड़ लगाते थे उनकी इस भारी भरकम गति जो थी हाथियों की उसकी आवाज़ को सुनकर, यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लग जाते थे कि कहीं हम तो ना मर जाए। वन डे, अब एक दिन, व्हेन दे वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब वो जंगल में घूम रहे थे, वन ऑफ द एलिफेंट स्टॉप नियर ए बिग ट्री, उनमें से एक हाथी जो था वो बड़े से पेड़ के पास रुका। ही पुल्ड डाउन लीव्स, उसने पत्तियों को नीचे गिरा दिया, एंड फ्रूट्स, और फलों को भी, फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ के, मतलब शायद उसको गुस्सा आ रहा होगा, उसने पेड़ फल और पत्तियों को पेड़ से नीचे गिरा दिया, एंड बिगिन टू ईट, और उसको खाने लगा। जस्ट देन, तभी ए स्नेल फेल ऑफ ए नियर बाय बुश, एक छोटा सा स्नेल जो था वो पास की ही झाड़ी से नीचे गिरा, एंड वेंट रोलिंग टू द फुट ऑफ द एलिफेंट, और हाथी के जो पैर थे उस पर चलने लगा। द बिग पीस फेल्ट समथिंग रोलिंग नियर हिज फुट, अभी जो बड़ा सा जानवर था इसको महसूस हुआ कि इसके पैरों पर कुछ चल रहा है। ही लिफ्टेड हिज फुट टू सी वॉट इट वॉज, उसने अपना पैर उठाया यह देखने के लिए कि क्या था उसके पैर पे। इट वॉज ए येलो एंड ब्राउन स्नेल विद ए कर्ली शेल, अब उसने देखा कि पीला और भूरे रंग का एक स्नेल था जिसकी कर्ली शेल थी, ऊपर की जो शेल थी उसको ढका हुआ जो था परत वो घुंघराली थी। द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पुट हिज फुट अगेन, एंड द टाइनी क्रिएचर वॉज स्केयर्ड, अब हाथी जो था उसने अपना पैर फिर से रखा नीचे, और जब वो रख रहा था उसके मूवमेंट से ही टाइनी क्रिएचर जो था, ये जो छोटा सा क्रिएचर था, प्राणी था, वॉज स्केयर्ड, डर गया। थिंकिंग दैट, उसने सोचा कि इट माइट बी क्रश्ड टू पीसेस, कि वो शायद टुकड़ों में ना कुचला जाए। इफ द हैवी फुट कम्स डाउन ऑन इट, अगर उसके भारी भरकम पैर उस स्नेल के ऊपर आ गए, वो सोच ही रहा था, डर गया था कि कहीं हाथी उसे अपने पैरों के नीचे ना कुचल दे। सो ही बैक टू द एलिफेंट, और इसीलिए उसने हाथी से क्या की, क्षमा याचना की,
प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। ग्रेट एलिफेंट, महान हाथी, आप मुझ पर कृपा करके दया कर दो। काइंडली पुट डाउन योर फुट ऑन टू वन साइड, कृपया अपना जो एक पैर है उसे नीचे एक तरफ रख दो एंड लेट मी क्रॉल अवे इन सेफली, और मुझे सुरक्षित रूप से यहाँ से रेंग कर चले जाने दो। द एलिफेंट स्माइल, हाथी मुस्कुराया एंड मूव हिज बिग फुट अवे, और उसने अपना बड़ा पैर हटा लिया। द स्नेल थैंक द बिग बीस्ट, स्नेल ने उस बड़े से जानवर को धन्यवाद दिया। ग्रेटफुली इट सेड, और फिर उसने आभार के साथ, स्पेलिंग ग्रेटफुल GRATE होगी बेटा, ग्रेटफुल इट सेड, और उसने आभार के साथ कहा, आई विश आई मे हेल्प यू वन डे, मैं ये कामना करता हूँ कि एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकूँ। द एलिफेंट वॉज अम्यूज्ड, हाथी को बहुत आश्चर्य हुआ। इट जंप्ड लाउडली विद लाफ्टर, और वो जोर से गरजा और हंसने लगा। हाउ कुड ए क्रिएचर लाइक यू एवर डू एनीथिंग फॉर मी, ही बिलोड, और फिर उसने घमंड से कहा कि तुम्हारे जैसा छोटा प्राणी मेरी मदद किस प्रकार कर सकता है, बताओ बताओ। तो वो हंसने लगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।